हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल में आज हम क्या सीखने वाले हैं नया, देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फॉर्मूले की। आपने वो फॉर्मूला पहले भी शायद यूज किया हो। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ रैंड एरे की। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने रैंड एरे फंक्शन जो है यूज किया हो, ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग रैंड एरे देखेंगे और ये कैसे डिफरेंट है रैंड बिटवीन से वो भी देखेंगे। तो पहले मैं रैंड बिटवीन लगा के दिखाता हूँ आपको। ये हो गया रैंड, और जैसे ही टाइप करते हैं तो यहाँ रैंड, रैंड एरे और रैंड बिटवीन दिख रहा है। तो यहाँ पर रैंड बिटवीन का पैरामीटर क्या कहता है, कहता है बॉटम और टॉप, सीधा सीधा दो ही पैरामीटर। तो यहाँ पे जैसे बॉटम में आपने सबसे कम वाला नंबर रखा, कॉमा लगाया, सबसे टॉप में यहाँ पर 80 रख दिया, ठीक है, 2 और 80, और एंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा, आ रहा है, ठीक है। लेकिन रैंड एरे की कहानी क्या है, जैसे मान लीजिए ये तो यहाँ आ जाएगा, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आया एक नंबर, ठीक है, और ये रैंडमली चेंज भी होता रहेगा, और इसको आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये नीचे ऊपर जहां तक लेके जाएंगे वहां तक आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया रैंड बिटवीन की कहानी, लेकिन रैंड एरे की क्या कहानी है उसको समझ लेते हैं आप, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग है पैरामीटर, तो यहाँ पे रैंड एरे लगाते हैं, आर ए एंड डी रैंड, और फिर यहाँ पे एरे आ जाएगा, तो ये रैंड एरे हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है रोज और कॉलम्स की संख्या बताइए, तो हमारे पास कितने रोज हैं या कितने कॉलम्स हैं ये हमें बताने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ 12 रोज की, और कितने कॉलम्स, तो हम 5 कॉलम्स की बात करेंगे, 5 कॉलम्स, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि मिनिमम क्या होना चाहिए, तो मिनिमम जो है मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, और मैक्सिमम जो है 100 कर देता हूँ। और यहाँ पर इंटीजर के लिए आपको फॉल्स लिखना है, सॉरी ट्रू लिखना है। यहाँ पर अगर आप इंटीजर चाहते हो तो ट्रू कर सकते हैं, तो ये ट्रू कर दिया, इसको बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो देखेंगे एक क्लिक पर पूरे नंबर यहां पर आ चुके हैं। और ये देखिए 100 और 1 के बीच के हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिया है जो हिसाब किताब, उसी के हिसाब किताब में आया है। यहाँ पे मिनिमम हमने 1 दिया है और मैक्सिमम हमने 100 दिया है। क्या ये भी रैंडमली चेंज होगा, तो चूंकि रैंडम है तो ये भी रैंडमली चेंज होगा। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, यहां से पूरे डेटा को करना है सेलेक्ट इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं, और यहां पे करिएगा राइट क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आपको कॉपी पे क्लिक करना है, कॉपी पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको मिलता है पेस्ट स्पेशल, तो बस इसी पे क्लिक कर दीजिए, काम हो जाएगा। अब ये चेंज नहीं होगा, कितना भी बाहर क्लिक कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपने रैंड और रैंड रैंड एरे और रैंड बिटवीन देखा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, और ये खासतौर पर जब आप सिखाने की कोशिश करते हैं या एक्सेल में कोई डेटा बना करके कुछ बताने की बात आती है तो रैंड एरे को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।